नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आप सबका स्वागत करता हूँ बर्ड्स के इन्फो यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी पैरेट के नेक पर रिंग कब आती है। बहुत सारे व्यूवर्स का कमेंट आ रहा था कि मेरे बेबी पैरेट के नेक पर रिंग कब आएगी, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट और नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये रिंग सिर्फ मेल पैरेट के नेक पर आती है, फीमेल पैरेट के नेक पर नहीं आती है। अभी अलेक्जेंडर पैरेट का सीजन चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने अलेक्जेंडर पैरेट के चिक्स लिए हैं और वो सोच रहे हैं कि मेरे बेबी पैरेट के नेक पर रिंग कब आएगी। तो अगर आपका बेबी पैरोट मेल है तो डेफिनेटली आपके पैरेट के नेक पर रिंग आएगी। अगर वही आपका बेबी पैरोट फीमेल है तो उसके नेक पर कभी भी रिंग नहीं आएगी। अभी हम कैसे पता करें कि हमारा बेबी पैरोट मेल है या फिर फीमेल, तो इस टॉपिक पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं किस एज में पैरेट के नेक पर रिंग आती है। तो पैरेट के 18 से 22 महीने की एज में उनके नेक पर रिंग बनना स्टार्ट हो जाता है। पहले स्टेज में गले के ऊपर ब्लैक रिंग बनता है, उसके बाद रेड रिंग बनता है और इसको पूरी तरह ग्रो होने में 8 से 12 महीने का टाइम लग जाता है। मतलब पैरेट के 3 साल हो जाने के बाद उसके गले पर कंप्लीट रिंग बन जाती है। चाहे आपके पास रिंग नेक हो, अलेक्जेंडर हो या फिर प्लम हेडेड पैराकीट हो, सभी में इसी एज में रिंग बनती है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि उनका पैरेट फीमेल है बट उसके नेक पर हल्की ब्लैक कलर की रिंग आ रही है, तो मैं आपको बता दूँ ये जस्ट शैडो रिंग है जो कि कुछ टाइम के बाद विजिबल होना बंद हो जाता है। और ये शैडो रिंग देखकर लोगों को लगता है कि उनके पास जो पैरेट है वो मेल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोगों का यह भी कहना था कि जिन पैरेट के नेक पर रिंग आती है सिर्फ वही पैरेट बोल पाते हैं, तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। पैरेट के गले में रिंग और उसका टॉकिंग करना, इन दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। मेरे पास जो पैरेट है T2, वो फीमेल पैरेट है और उसके गले में रिंग नहीं है, बट वो अच्छे तरह से टॉकिंग कर लेती है और वो मेरा बहुत अच्छा पेट भी बन गई है। और पैरेट मेल हो या फिर फीमेल कोई मैटर नहीं करता, अगर आप इनको अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग देते हैं, तो दोनों ही अच्छे पेट बन सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आज की वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।